The latest big jolt for the Assam Congress and Tarun Gogoi as just ahead of the final phase of polls in Assam, Assam Pradesh Congress spokesperson Pramod Swamy has quit his post and joined the BJP. देखिए आसाम का निर्वाचन है और ये निर्वाचन तय करेगा कि आने वाले समय में आसाम किस दिशा में आगे बढ़ेगा। हम सब आसाम की दशा देख रहे हैं। एक समय जब था जब आसाम भारत के पांच सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक था और आज आसाम नीचे के पांच जो श्रेष्ठ राज्य हैं उनमें से आसाम की गणना होती है। आज मेरे पास दो विकल्प थे, एक था कि मैं पार्टी का ही चुनता जिस पार्टी में मैं था और पार्टी के लिए काम करता। दूसरा विकल्प ये था कि आज आसाम की जो मातृभूमि है, आसाम मातृ जो है मेरी, वो मेरे से आह्वान कर रही थी कि आज आसाम के ऊपर जो अस्तित्व का संकट आया है, जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आसाम में जिस तरह से अस्तित्व का संकट उत्पन्न किया है, आज जिस तरह से हमारे सत्र की माटी को उन्होंने बेदखल किया है, तो ऐसी स्थिति में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। या तो मैं आसाम के हितों के लिए काम करता या पार्टी के हितों के लिए काम करता। तो मैंने आसाम फर्स्ट, पार्टी सेकंड और इंडिविजुअल थर्ड, इस सिद्धांत को मानते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी में योगदान करने का निर्णय लिया। पहले क्या था बीजेपी का, जो आसाम में फुल बांग्लादेशी है, फॉरेनर है, तो अमित शाह क्या बोल रहा है, पहले मोदी जी क्या बोला है, तो काल हो क्यों सुभ रहा है, तो क्या डबल स्टैंडर्ड है। एक दफे बोलता है असम बांग्लादेशी है, लैंड ले लिया, जॉब ले लिया, तरुण गोगोई उसका मदद कर लिया, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे, काल मोदी सुप हो गया, वो मालूम हो गया, वो खुद गवर्नमेंट करने को नहीं चाहेगा, वो अजमल साहब का वही कोई मदद लगेगा, तो वो मदद से लिए, वो खुद बोला हांग पार्लियामेंट आप मत करिए, तो उसका लिए तो उसका किसका सपोर्ट ना? तो इनडायरेक्टली उसका बोला अभी फॉरेनर नहीं है। अच्छा, कल भी वो परिवारवाद का आरोप भी लगा रहे, वो कहा झूठ बाल बोल रहा है, ऐसा माफी झूठ कहाँ परिवार, हमारा लड़का एमपी हुआ तो क्या हुआ, तो उन लोग का लड़का एमपी नहीं हुआ, कहाँ हुआ, देखो हम कि हमारा तो हेमंत विश्वास का कौन मंत्री बना, रघु बिल को कितना, हम कितना इंडिया में कितना बना, फॉरगेट अबाउट हियर, देखो वो हमारा लड़का के लिए भी डर हो गया, ऐसा माफी प्राइम मिनिस्टर जो नया एमपी है हुआ है, तो ठीक है हमको अटैक कर रहा है।